ना समझ तानाशाह को अमेरिका कितना भी समझा ले, लेकिन तबाही की तकदीर लेकर जी रहे उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन समझने को तैयार नहीं है। परमाणु बम खत्म करने के लिए अमेरिका ने उत्तर कोरिया पर कई तरह के प्रतिबंध लगाए, जिसके बाद उत्तर कोरिया की आर्थिक स्थिति इतनी खराब हो गई है कि खाने को लाले पड़ गए हैं, लोग भूखे मर रहे हैं। लेकिन तानाशाह की अक्ल ठिकाने नहीं आ रही। अभी फिर तानाशाह ने दो मिसाइल दाग अमेरिकी गुट को भड़का दिया है। किम की गुस्ताखी के बाद दक्षिण कोरिया और जापान अपनी सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं। इधर अमेरिका उत्तर कोरिया को एक और मौका देने की बात कर रहा है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता मॉर्गन आर्टोगस ने कहा, हम और कोई उकसावे वाली कार्रवाई ना करने का अनुरोध करते हैं। सभी पक्षों को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्तावों के तहत अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। साथ ही ऑर्टोगस ने कहा कि अमेरिका उत्तर कोरिया के साथ बातचीत जारी रखना चाहता है। हम उत्तर कोरिया के साथ कूटनीतिक संबंध चाहते हैं। हम उत्तर कोरिया से उन सभी चीजों को हल करने का अनुरोध करना जारी रखेंगे जिनके बारे में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और किम जोंग उन ने कूटनीति के जरिए बात की। अमेरिका की तरफ से ये बयान तब आया है जब उत्तर कोरिया ने गुरुवार को समुद्र में कम दूरी की दो मिसाइलें दागी थी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उत्तर कोरियाई नेता किम जोंग उन के बीच पिछले महीने अचानक हुई बैठक के बाद ये उत्तर कोरिया का पहला मिसाइल परीक्षण है। इस बैठक में दोनों ने परमाणु निरस्त्रीकरण वार्ता बहाल करने पर सहमति जताई थी। जानकारों के मुताबिक उत्तर कोरिया ने मिसाइल परीक्षण करके चेतावनी दी है कि अगर अमेरिका और दक्षिण कोरिया ने संयुक्त सैन्य अभ्यास किया तो ये बातचीत पटरी से उतर सकती है।